हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एलोम का सुस्पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का चैप्टर है लाइंस एंड लाइन एंड एंगल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग कब तक पढ़ेंगे जब तक यह चैप्टर पूरी तरह साफ ना जाए, ठीक है। और इस हमारा अध्याय छ है, चैप्टर नंबर छ है, एनसीईआरटी बुक है। क्या है लाइंस एंड एंगल, तो चलते हैं हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है लाइंस, लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स, एंगल्स दिख रहा है, लाइन एंड एंगल्स। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइन एंड एंगल क्या होता है। देखिए क्या है लाइन एंड एंगल, तो इसका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी। क्या थ्योरी पढ़ेंगे, यानी रेखाएं एवं कोण, रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल, ठीक है। हम इसी को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर छ है। लाइन एंड एंगल, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हम लोग रेखा और कोण के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके हम लोग सबसे एकदम एकदम नीचे चलेंगे। तो देखिए नीचे हमारा क्या सबसे एकदम लो टॉपिक है। देखिए बिंदु क्या है, क्या है बिंदु, बिंदु ठीक है, बिंदु ऐसे आप लोग इसमें इस चैप्टर में बिंदु नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब आएगा असंख्य बिंदु, स्वयं बिंदु, तो क्या होगा आपको दिक्कत होगा। तो क्या हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिंदु। तो बिंदु क्या होता है तो बिंदु वह डॉट है, क्या है बिंदु वह डॉट, जैसे बिंदु में क्या है बिंदु हो गया, यानी बिंदु वह डॉट है जिसमें न लंबाई न चौड़ाई और न ही मोटाई हो। जैसे हम कर दिए बिंदु, इसमें इसमें कोई लंबाई है और कोई चौड़ाई है और न ही लंबाई है, इसको हम क्या कहेंगे बिंदु कहेंगे। यानी बिंदु यह डॉट है जिसमें न लंबाई न चौड़ाई और न ही मोटाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। और इसको हम कैसे दिखाते हैं, बिंदु को अंग्रेजी के कोई एक बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसको क्या करते हैं, बिंदु को हम अंग्रेजी के कोई एक बड़े अक्षर द्वारा हम सूचित करते हैं, किसको बिंदु को। अब देखिए टाइप ऑफ पॉइंट, बिंदु के प्रकार, बिंदु के प्रकार, बिंदु के प्रकार में क्या पढ़ना है हम लोग को। तो बिंदु के प्रकार में पढ़ना है आप लोग को, सबसे पहले है सनरेख बिंदु, क्या है सनरेख बिंदु दिख रहा है इसे, सनरेख बिंदु। तो सनरेख बिंदु क्या होता है, सनरेख बिंदु का मतलब है वैसी बिंदु जो जब दो या दो से अधिक बिंदु क्या हो एक सीधी रेखा में हो। क्या बोले हम, संरेख बिंदु का मतलब है जब दो या दो से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में, उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में, संरेख बिंदु कहते हैं। अब क्या है असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु क्या है, तो जब जब दो या दो से तीन या तीन से अधिक, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में ना हो यानी एक सीधी रेखा में ना हो, उसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब देखिए सीधी रेखा में है नहीं ना है, सीधे रेखा में है नहीं है, इसको हम क्या 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 कहेंगे असंरेख बिंदु, ठीक है। संरेख बिंदु का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में हो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। और असंरेख बिंदु किस किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक बिंदु या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में ना हो उसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं। अब देखिए हम लोग बिंदु पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे रेखा, देखिए रेखा पढ़ना
रेखा किरण है, क्या कहते हैं किरण क्या है, किरण किसे कहते हैं, क्या है किरण यानी रे, किरण क्या है, तो किरण से यह बोध होता है कि किरण से यह बोध होता है कि इसकी एक तरफ अंत बिंदु तथा दूसरे तरफ अनंत बिंदु होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक अंत हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक अनंत जा रहा है, यानी किरण से यह बोध होता है कि इसके एक तरफ अंत बिंदु तथा दूसरे तरफ अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अब देखिए रेखा क्या है, रेखा यानी लाइन, लाइन रेखा क्या है, तो रेखा के रेखा की किसे कहते हैं, जैसे हम लोग बिंदु पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बिंदु हम लोग पढ़े हैं कि बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु वह डॉट है जिसमें न लंबाई और न चौड़ाई और न ही मोटाई हो। तो हम बिंदु को एकदम सटा दें, हमारा क्या बन जाएगा, हमारी रेखा बन गया, यानी बिंदुओं के समूचे को हम रेखा कहते हैं। ठीक है, बिंदुओं के समूचे को हम रेखा कहते हैं, और रेखा को अंग्रेजी के कोई एक बड़े अक्षर, देखो देखिए रेखा को अंग्रेजी के कोई एक छोटे अक्षर या दो बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, रेखा को अंग्रेजी के कोई एक छोटे अक्षर या कोई दो बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, किसको, रेखा को। अब देखिए रेखाखंड क्या है, क्या है रेखाखंड, रेखाखंड तो क्या रेखाखंड, जैसे हमारा रेखा रेखा क्या था, रेखा था, तो रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखा से लिए खंड या टुकड़ा को हम रेखाखंड कहते हैं। हो गया ना, यानी रेखा से हम ले लिए खंड या टुकड़ा, इसके ऊपर रेखाखंड, और रेखाखंड के दोनों तरफ क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। देखिए अंत बिंदु है, क्या हो गया, अंत बिंदु, यानी रेखाखंड से, रेखा से लिए खंड या टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं, और रेखाखंड से यह बोध होता है कि इसके दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अब देखिए रेखा का प्रकार क्या है, तो फर्स्ट हमारा प्रकार है रेखा का सरल रेखा, क्या है, सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा किसे कहते हैं, तो ऐसी रेखा जो सीधी रेखा का नाम बनते हैं, क्या क्या है, वैसी रेखा जो सीधी रेखा का नाम बनते, उसे हम क्षैतिज सॉरी सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या है, सरल रेखा कहते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है वक्र रेखा, क्या है, वक्र रेखा, वक्र रेखा क्या है, अरे वैसी रेखा जो जो प्रत्येक दिशा सॉरी क्या है, वक्र रेखा क्या है, तो हाँ वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो। ठीक है, या कह सकते हैं वैसी रेखा जो प्रत्येक बार अपनी दिशा बदलती हो, कह सकते हैं, या कह सकते हैं वक्र रेखा में वैसी रेखा जो प्रत्येक बार अपनी दिशा बदलती हो, या वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो, जैसे मान लीजिए रेखा है टेढ़ी मेढ़ी हो गया, टेढ़ी मेढ़ी हो गया, जैसे अब देखिए रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो गया, रेखा है टेढ़ी मेढ़ी हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, वक्र रेखा कहेंगे, वैसी रेखा जो प्रत्येक बार अपनी दिशा बदलती हो, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। अब तीसरा हमारा हमारा है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा क्या है, पृथ्वी तल के समानांतर, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है पृथ्वी हो गया, ठीक है, यहाँ हमारा हमारा क्या है पृथ्वी हो गया, पृथ्वी यानी पृथ्वी तल के समानांतर खींची हुई क्या हमारा क्षैतिज रेखा होगा, क्या होगा, क्षैतिज रेखा, यानी पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। चौथा हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, तो वैसी रेखा या कह सकते हैं कि क्षैतिज रेखा पर डाला गया लंब, क्या है, कह सकते हैं कि क्षैतिज रेखा पर, देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा है तो यहां पर देख लीजिए क्षैतिज रेखा हमारा हो गया, क्षैतिज रेखा पर डाला गया लंब है 90 डिग्री,
हमारा क्या होगा उभार रेखा होगा, समझ गए। ये हमारा क्या होगा क्षैतिज रेखा हो गया, हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा समझ गए। ऊर्ध्वाधर रेखा किसे किसे कहते हैं, तो क्षैतिज रेखा पर डाला गया लंब ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है। अब देखिए संपाति रेखा, संपाति रेखा क्या है, फाइव नंबर है। तो संपाति रेखा क्या होता है, तो वैसी रेखा जो एक दूसरे पर स्थित हो, क्या है जैसे हमारा एक रेखा हो गया, वैसी रेखा या रेखा वैसी रेखा जो एक दूसरे पर एक और रेखा हो, एक और रेखा हो गया माने इसका नाम एल हो गया, इसका नाम ए बी हो गया, समझ गए। वैसी रेखा जो एक दूसरे पर स्थित हो उसे हम समाधि रेखा कहते हैं। आप देखिए छठा हमारा क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा किसे किसे कहते हैं, तो ऐसी रेखा जो ना ही क्षैतिज हो ना ही ऊर्ध्वाधर हो, क्या क्या बोले हम, वैसी रेखा जो ना ही क्षैतिज हो, ना ही क्षैतिज हो और ना ही ऊर्ध्वाधर हो, तो कैसा होगा, तो देखिए बोलिए ऊर्ध्वाधर है ना ही क्षैतिज है ना ही ऊर्ध्वाधर है, अब बोलिए ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है, क्या बात तिर्यक रेखा। कभी भी अगर कहेगा जब दो रेखाएं एक दूसरे जैसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आएगा ठीक है, अब देखिए तिर्यक रेखा वैसी रेखा जो ना ही क्षैतिज हो और ना ही ऊर्ध्वाधर हो, उसमें क्या क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेवन नंबर है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को सॉरी जब दो रेखाएं हाँ ठीक है जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसे देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, बोलिए दो रेखा एक बिंदु पर छेद कर रहा है उस हम क्या क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। आप देखिए संगामी रेखा, संगामी रेखा, संगामी रेखा, संगामी रेखा किस किसे कहते हैं, इसका पिक्चर यहां पर है। वैसी रेखा या कह सकते हैं जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर परिच्छेद करती है, ठीक है जब तीन रेखाएं एक देखो तीन रेखा हो गया एल एम एन, जब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर परिच्छेद करती है उसे हम संगामी रेखा कहते हैं, ठीक है। अब है अब रेखा खत्म हुआ ठीक है, अब कल से क्या पढ़ेंगे, रेखा और है क्या, नहीं है रेखा, हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे कोण पढ़ेंगे ठीक है, क्या पढ़ेंगे कोण पढ़ेंगे, फिर हम लोग परमेय सिद्ध करेंगे। तो चलते हैं, हम वीडियो का स्वागत करते हैं, थैंक यू, ओके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, थैंक यू।